हेलो एवरीवन, वेलकम टू गायत्री किचन। आज हम एक बिल्कुल न्यू रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। इस रेसिपी का नाम है साबुत मूंग का भाभरा। खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। हमने इससे पहले लाल चना और चावल का भाभरा बनाया था, तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहें तो वहाँ जाके इसे देख सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। साबुत मूंग का भाभरा बनाने के लिए हमने लिया है 200 ग्राम साबुत मूंग, जिसे हमने 4 घंटे पहले भिगो लिया है, 150 ग्राम बेसन, 100 ग्राम चावल का आटा, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसे हमने बारीक काट लिया है, 2-3 हरी मिर्च, एक छोटा टुकड़ा अदरक का, 5-6 कली लहसुन का और भाभरा बनाने के लिए रिफाइंड ऑयल। चलिए साबुत मूंग का भाभरा बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने हरी मिर्च को काट लिया है और लहसुन और अदरक को इस तरीके से पीस लिया है। अब हम एक बाउल लेंगे और उसमें साबुत मूंग को डालेंगे। अब हम इसमें बाकी चीज़ों को ऐड करेंगे। सबसे पहले हम बेसन डालेंगे, चावल का आटा, नमक स्वाद अनुसार, सारे मसाले, हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट, और अब हम इसमें पानी डालकर इसे घोल लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमने इसे इस तरीके से थोड़ा गाढ़ा घोल लिया है और अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। हमारा जो घोल है वो थोड़ा गाढ़ा है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। घोल हमारा तैयार हो गया है और ये ज़्यादा पतला भी नहीं है और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, और अब हम भाभरा बनाना स्टार्ट करेंगे। अब हमने गैस पर एक कढ़ाई रख दिया है और उसमें तेल डाल दिया है। हमारा तेल गर्म हो गया है। जब हमारा तेल गरम हो जाएगा तब हम एक कलछन भर के बैटर को तेल में डालेंगे। हमारे गैस का फ्लेम हाई है और थोड़ी देर के बाद हम इसे मीडियम कर देंगे। जब ये एक तरफ से हल्का गोल्डन हो जाएगा तब हम इसे पलट लेंगे। भाभरा बनके तैयार है और अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और इस तरीके से हम बाकी भाभरा को भी तल लेंगे। जितना इसे आसान है बनाना उतना ही स्वादिष्ट होता है ये खाने में। साबुत मूंग का भाभरा बनके तैयार है। खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तलते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आप एक एक करके भाभरा को तेल में डालें, इससे आपका भाभरा अच्छा बनेगा। आप इसे दाल चावल या फिर स्नैक्स में भी बना के खा सकते हैं। साबुत मूंग हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और हमें इसे ऐसे भी भिगोकर खाना चाहिए, लेकिन अगर आपका कुछ चटपटा खाने का मन करे तो आप साबुत मूंग को इस तरीके से बनाकर भी खा सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें और ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।